खरगोन जिले के कसरावद में गुरुवार को लोकायुक्त टीम ने दबिश देकर बीईओ को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। इस कार्यवाही के बाद शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया। कसरावद में विकास खंड शिक्षा अधिकारी अनिल शर्मा को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। ढालखेड़ा में पदस्थ सहायक शिक्षक राकेश वर्मा ने 11 फरवरी को लोकायुक्त में शिकायत की थी कि फरियादी वर्मा के मुताबिक सितंबर अक्टूबर में उन्हें मेडिकल बिल के भुगतान के एवज में अनिल शर्मा ने 10000 रुपये बतौर रिश्वत मांगे थे। शर्मा उत्कृष्ट विद्यालय कसरावद में प्राचार्य भी हैं। गुरुवार को शिक्षक राकेश वर्मा 5000 की पहली किस्त देने आया। बीईओ ने रुपये लेकर शर्ट की जेब में रखे, तभी लोकायुक्त टीम पहुंची और बीईओ शर्मा को रंगे हाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त की कार्रवाई में रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद बीईओ के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। टीम उन्हें पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस लेकर पहुंची, जहां कागजी कार्रवाई की गई। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। आपका मामला था सर कि हमारे पिछले माह की सैलरी हुई थी सितंबर और अक्टूबर की डेढ़ माह की, उसमें सर से मैंने बात करी थी इस मंथ में, तो सर ने बोला कि आपको इतना पेमेंट लगेगा, तो मैंने बोला सर जो भी लगेगा मैं कर दूंगा। पहले भी मांगी थी आपसे रिश्वत? पहले भी मैं कुछ 90% दे चुका हूँ। कितने दे चुके हैं? 90000 दे चुके हो। और अभी कितने दिए? अभी 10 की बात करी थी। कितने दिए अभी? 10 पूरे दे दिए। तो आज कितने दिए थे? आज 10 की बात करी तो 5000 दिए। 5000 दिए। आपका शुभ नाम? ऋतिक वर्मा। दरिया डाल खेड़ा में सहायक अध्यापक थे, उनके सितंबर और अक्टूबर का वेतन था, वो मेडिकल लीव पे थे, तो उनके वेतन निकालने के एवज में प्रिंसिपल यहाँ बीओ हैं जो डॉक्टर अनिल शर्मा जी, वो 10000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे थे, जिसकी शिकायत उसने पुलिस अधीक्षक महोदय को इंदौर में की थी, जिस पर से पुलिस दल का गठन किया गया था। और उसके आवेदन के आधार पर आज यहाँ आकर अनिल शर्मा बीओ को विजय स्तंभ चौराहे के पास 5000 रुपये की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा। कार्रवाई जारी है, आगे कार्रवाई जारी है, तो पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। सर आपका पूरा नाम? SS यादव, DSP बेहतर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।